हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जंगल ही जंगल थे और फिर पहाड़ियां ही पहाड़ियां। सातवें जंगल के पीछे और सातवीं पहाड़ी के परे एक मछेरा रहता था, जवान और खूबसूरत। वहीं एक गडरिया भी रहता था। उसकी एक बेटी थी जैसे चांद का टुकड़ा। ये बच्ची भेड़ें चराया करती थी। गरीब और भोली भाली थी जैसी उसकी भेड़ें। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लड़की की नजर में मछेरा किसी शहजादे से कम न था और मछेरे के नजदीक कोई शहजादी उस गरीब लड़की की बराबरी न करती थी। मगर थे दोनों बहुत गरीब। मछेरा यही सोचा करता था कि इस गरीबी में शादी क्या हो गई, हो भी गई तो गुजारा कैसे होगा। इसी सोच में एक मर्तबा रात भर आंख न झपकी, करवटें बदल बदल के और आंसू बहा बहा के सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा, उस रब का ध्यान बांधा जो विपता में, मुसीबत में याद आता है और दुखी की जरूर सुनता है। सुबह मछलियां पकड़ने दरिया पे पहुंचा, दरिया में जाल फेंका तो दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, आज तू जाल भर के मछलियां दिलवा दे, और हां, सुनहरी मछलियां हो, सुनहरी आंखें हीरे की हों और उनकी नन्ही नन्ही हड्डियां मोतियों की हों। ये सोचा और जाल फेंका और वहीं जमीन पे लेट गया। कोई 3 घंटे यूं ही पड़ा रहा, इंतजार करता रहा। आंसू थे कि थमते न थे। सारी जमीन उसके गरम गरम आंसुओं से गीली हो गई थी। आखिरकार उठा और भारी जाल को जोर लगाकर खींचा तो जाल भरा हुआ था, मगर पत्थरों से। मछेरे ने फिर दुआ मांगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस मछेरे ने फिर दुआ मांगी, मेरे प्यारे खुदा, इस दफा तो जाल भर दे सुनहरी मछलियों का, जिनकी आंखें हीरे की हों और जिनकी नन्ही नन्ही हड्डियां कुछ नहीं तो मोती की तो हों। ये कहकर फिर दूसरी मर्तबा जाल दरिया में फेंका और जमीन पे लेट गया। कोई 9 घंटे मछेरा वहीं पड़ा रहा। सारी जमीन उसके आंसुओं से तर हो गई। फिर उठा। अब के जाल इतना भारी था कि खींचे न खींचता था, मगर उसमें निकला क्या, सड़ी गली लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। अंधेरा होने लगा। चिड़ियां अपना शाम का गीत गाकर खामोश हो चुकी थीं। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। मछेरे की आंखों में नींद थी, मगर दरिया के किनारे मछेरा अपनी जगह खड़ा था, पानी में अपना जाल फैलाए। तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़ी का जाला। ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है और उसके अंदर जो दरियाई घास है वो सारी सोने की है। उस सुनहरी घास पे एक नन्हा सा फरिश्ता लेटा हुआ था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे और फरिश्ते ने मछेरे से कहा, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मछेरे ने तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़ी का जाला। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है और उसके अंदर जो दरियाई घास है वो सारी सोने की है। उस सुनहरी घास पे एक नन्हा सा फरिश्ता लेटा था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते ने मछेरे से कहा, मैं इस दरिया की तह में लाखों साल से पड़ा था, लाखों साल से, जब से दुनिया बनी थी उस वक्त से। मैंने कोई कसूर नहीं किया था जिसकी सजा में अल्लाह मियां ने मुझे यहां भेजा हो। मुझे तो देश निकाला मिला था आदम और हव्वा की चूक पे, क्योंकि उन्होंने बागे ईदन में मुझे तो हमदम बनाया नहीं,
सांप को बना लिया, फिर उस पेड़ का फल खाकर जिससे उन्हें मना किया गया था, मेरे नाम को भी बट्टा लग गया। इसी वजह से वो भी निकाले गए और मैं भी निकाला गया, क्योंकि मैं उनकी सच्ची मोहब्बत का फरिश्ता था। यही बात तो है कि आदमी अब सांप किसी मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत जो सबको बिगाड़ देती है, वो जो पहली मोहब्बत थी, सच्ची पाक मोहब्बत, उसे सबने छोड़ दिया है। बस हिर्स है और हवस। प्यारे मछेरे, अब फिर कहीं मुझे इस गदले पानी में न डाल देना, मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गदरनी के पास ले चल, मैं तुझे वो खुशी बख्शूंगा जो किसी को नसीब न हुई होगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस फरिश्ते ने मछेरे से कहा, प्यारे मछेरे, अब फिर कहीं मुझे इस गदले पाली में न डाल देना, मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गड़नी के पास ले चल, मैं तुझे वो खुशी बख्शूंगा जो किसी को नसीब न हुई होगी। मछेरा बोला, एक शीश महल बना दोगे मेरी प्यारी गड़नी के लिए? क्या मुझे बहुत सा सोना चांदी दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और ऐसा कर दूं कि वो फिर किसी चीज को न तरसे और भूख प्यास की तकलीफ न उठाए? फरिश्ता बोला, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत न भूख को जानती है, न धन दौलत को पहचानती है। भूख भी खुदा की तरफ से सजा है और सोने चांदी का लालच भी, और ये सजा उसने आदमियों को इसलिए दी है कि पहले मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत के नाम को बटा लगाया था। फरिश्ते ने यह बात कुछ ऐसे भोले अंदाज से कही कि मछेरे की समझ में आ गई। उसने उस फरिश्ते को ऐसी सच्चाई और ऐसे जोश के साथ सीने से लगाया कि वो हमेशा को उसके दिल में उतर गया। न चांदी के जाल का ख्याल किया और न सोने की घास का, सब दरिया में डाल दिया और अपनी गडरनी का ध्यान साथ लिए घर को लौटा। सच कहते हैं, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत न भूख को जानती है, न धन दौलत को पहचानती है। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, कॉलेज के सोशियोलॉजी के एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले 200 लड़कों का सर्वे करें। स्टूडेंट्स को ये आकलन भी करना था कि ये लड़के भविष्य में क्या बन सकते हैं। स्टूडेंट्स ने सर्वे के तकरीबन हर आकलन में एक ही टिप्पणी लिखी, ये लड़का भविष्य में कुछ नहीं बन सकता। 25 साल बाद सोशियोलॉजी के एक और प्रोफेसर उसी कॉलेज में पढ़ाने आए और उनकी नजर 25 साल पुराने इस सर्वे पे पड़ी। उनके मन में जिज्ञासा जागी कि देखें तो सही, इसके निष्कर्ष कितने सही हैं। उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वे उन लड़कों को खोजें जिन पे 25 साल पहले सर्वे किया गया था। स्टूडेंट्स को यह पता लगाना था कि वो लड़के इस समय क्या कर रहे हैं और कितने कामयाब हैं। तहकीकात से पता चला कि 25 साल पहले जिन 200 लड़के का सर्वे किया गया था, उनमें से 20 या तो बाहर जाकर रहने लगे हैं या जिनका कोई पता नहीं था। बहरहाल, स्टूडेंट्स को यह जानकर हैरानी हुई कि बाकी 180 लड़कों में से 176 स्टूडेंट्स सामान्य से ज्यादा सफल हुए थे और वकील, डॉक्टर या प्रोफेशनल बन गए थे। ये पता चलने पे प्रोफेसर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। खुशकिस्मती से सभी 180 लड़के अब भी उसी इलाके में रहते थे। प्रोफेसर ने हर लड़के से एक ही सवाल किया, आपकी कामयाबी का राज क्या है? सभी ने एक ही जवाब दिया, हमारी टीचर, आ टीचर। प्रोफेसर ने उस टीचर को खोज निकाला और उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा जादुई फार्मूला
इस्तेमाल किया जिसकी बदौलत ये लड़के झोपड़पट्टी से निकलकर सफलता के शिखर पे पहुंच गए। ये सवाल सुनकर टीचर की आंखों में चमक आ गई, उनकी आंखों में रोशनी आ गई और उनके होठों पे प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उन्होंने कहा, इसमें कोई जादू नहीं, देयर इज नो मैजिक इन इट, मैं तो बस उन लड़कों से प्रेम करती थी, आई लव देम, बस मैं उनसे दिल से प्रेम करती थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कोल्हापुर की एक टीचर ने एक अनूठा काम किया। उन्होंने हाई स्कूल में अपने हर सीनियर स्टूडेंट का सम्मान किया और उन्हें बताया कि उनके होने से टीचर को कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने क्लास के हर स्टूडेंट को एक एक करके सामने बुलाया। सबसे पहले तो उन्होंने हर स्टूडेंट को बताया कि उनका उन पे और क्लास पे कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने हर स्टूडेंट को एक नीला रिबन दिया जिसपे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे होने से फर्क पड़ता है। इसके बाद टीचर ने एक क्लास प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। वो ये देखना चाहती थी कि महत्व मिलने के एहसास का लोगों पे क्या असर पड़ता है। उन्होंने हर स्टूडेंट को 3 रिबन दिए और कहा कि वो बाहर जाकर किसी को सम्मानित करें और सम्मान की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। स्टूडेंट्स को बाद में ये पता लगाना था कि उनके दिए रिबन से किसने किसका सम्मान किया था। उन्हें 1 हफ्ते बाद इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्लास में देनी थी। उस क्लास का एक लड़का एक कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव के पास गया। उस एग्जीक्यूटिव ने लड़के के करियर की योजना बनाने में उसकी मदद की थी, इसलिए लड़के ने उसे सम्मानित करते हुए उसकी शर्ट पे एक नीला रिबन लगा दिया। फिर लड़के ने जूनियर एग्जीक्यूटिव को 2 और रिबन देते हुए कहा, हम स्कूल में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप भी किसी का सम्मान करके उसकी शर्ट पे एक नीला रिबन लगा दें। इसके बाद आप उसे बचा हुआ नीला रिबन दे दें ताकि वो किसी और व्यक्ति का सम्मान करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। फिर प्लीज मुझे उसका परिणाम बताइएगा। दोस्तों, आगे क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव उसी दिन कुछ समय बाद अपने चिड़चिड़े बॉस से मिलने गया। उसने अपने बॉस के सामने बैठकर उन्हें बताया कि वो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है और उन्हें रचनात्मक जीनियस मानता है। ये सुनकर बॉस बहुत हैरान रह गए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ने उनसे कहा कि क्या वो उनकी जैकेट पे नीला रिबन लगा सकता है। उसके हैरान बॉस ने कहा, हाँ क्यों नहीं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ने अपने बॉस की जैकेट पे उनके दिल के पास नीला रिबन लगा दिया। फिर उसने उन्हें एक और रिबन देते हुए कहा, क्या आप मुझ पे एक और एहसान करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप किसी का सम्मान करें और उसे ये रिबन लगा दें। जिस लड़के ने मुझे रिबन दिए थे वो स्कूल में एक प्रोजेक्ट कर रहा है, वो इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ाकर ये पता लगाना चाहता है कि इससे लोगों पे क्या असर पड़ता है। उस रात जब बॉस घर गया तो उसने अपने 14 साल के बेटे को अपने सामने बिठाया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस रात जब बॉस घर गया तो उसने अपने 14 साल के बेटे को अपने सामने बिठाया और कहा, आज एक बहुत बड़ी अजीब बात हुई। आज एक जूनियर एग्जीक्यूटिव ने आकर मुझे बताया कि वो मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक है और मुझे रचनात्मक जीनियस मानता है। जरा सोचो, फिर उसने मेरी जैकेट पे ये नीला रिबन लगा दिया जिस पे लिखा है, मेरे होने से फर्क पड़ता है। उसने मुझे एक और रिबन देकर कहा कि मैं किसी और का सम्मान करके उसके सीने पे ये रिबन लगा दूं। आज जब मैं कार से घर लौट रहा था तो मैं सोचने लगा कि इस रिबन से किससे सम्मानित करूं। तभी मेरे दिमाग में तुम्हारा विचार आया, मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। बेटे, मैं बहुत बिजी रहता हूं और घर लौटने के बाद मैं तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता।
कई बार मैं तुम पे चिल्लाता भी हूँ कि तुम्हारे स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए और तुम्हारा बेडरूम कितना गंदा है, लेकिन आज रात को मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी माँ के अलावा तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। हैरान लड़का सुबकने लगा और सुबकता ही रहा। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका पूरा शरीर थर थराने लगा। उसने अपने पिता को देखा और आंसू छलकाते हुए बोला, डैडी, मैंने कल आत्महत्या करने की योजना बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। दोस्तों, जहां भी जाओ प्रेम बांटते जाओ। शुरुआत अपने घर से करो। अपने बच्चों, पति पत्नी, पड़ोसी को प्रेम दो। जो भी तुमसे मिलने आए पहले से ज्यादा खुश होकर ही लौटे। ईश्वर की दयालुता के जीते जाते उदाहरण बनो। आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, आपकी मुस्कुराहट में और आपके शब्दों में दयालुता झलकनी चाहिए। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।